वेलकम टू माय चैनल माजी वेटनरी। माजी वेटनरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर पशु पक्षी जानवर संबंधित दवा को लेकर आते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, वह काम कैसे करता है और नई नई दवा के बारे में बताते रहते हैं। इसी के साथ मैं हूँ डॉक्टर अमित माझी, बायपुर कर्मचारी। और आज आप देख रहे हैं, हमने स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आया है जीरो CLF बोलस एंड इंजेक्शन। जीरो CLF बोलस एंड इंजेक्शन, अर्थात इस फार्मूले का बोलस अर्थात टेबलेट और इंजेक्शन दोनों आता है। और हम यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, इसके बारे में जानने से पहले जानना चाहिए कि इसको पैदा किसने किया है, यह किस कंपनी की दवा है। तो बताना चाहते हैं यह सुषमा फार्मास्यूटिकल, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है वेटनरी फील्ड के मामले में, जानवर के फील्ड के मामले में। कंपनी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस फील्ड में इसने जितना भी दवा बनाया है सब नंबर एक का, इसमें कोई शिकायत नहीं। जितना दवा सब नाम से चलता है और बिकता है, लोग यूज भी करते हैं। और तो और अभी तक किसी दवा में कोई शिकायत नहीं आई है। तो CLF इसमें क्या है, किस लिए बना है, अब आता है कि अगर आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े हो, कीड़े कैसे हो, लीवर फ्लू का हो, लीवर के अंदर कीड़े हो, पेट के अंदर कीड़े हो, शरीर के ऊपर कीड़े हो, शरीर के ऊपर पैरासाइट होते हैं जैसे किडनी, जू, चिड़चिड़ा, बहुत सी चीज होते हैं। कहने का मतलब पेट के अंदर और शरीर के ऊपर कितने भी कीड़े हों, इसकी पहचान कैसे करते हैं। अगर शरीर के ऊपर कीड़ा तो आप पहचान लेंगे कि उसमें किडनी पड़ जाएगा, मटमैला रंग हो जाएगा, लेकिन अगर पेट के अंदर कीड़े हों तो उसका भी कुछ पहचान होगा। वैसे तो कहने का कहा जाता है कि हर तीसरे महीने पर पेट के कीड़े की दवा दे देनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं देता है, बहुत कम लोग देते हैं, बिजनेस वाले देते हैं, आम आदमी, आम पशुपालक नहीं देता है, लेकिन देना चाहिए। तो जब इसकी पहचान क्या है, पेट, पशु का पेट से दस्त ज़्यादा मात्रा में होना, पतला गोबर करना, आँखों में कीचड़ आना, खाएगा पिएगा बहुत ज़्यादा, पेट निकल जाएगा लेकिन स्वस्थ नहीं रहेगा, ऐसी बहुत सी समस्या है, या गोबर के रास्ते में म्यूकस आना। तो हम एक ही दवा से दोनों का खात्मा कैसे कर सकते हैं, है उसका फार्मूला लेकर आया सुषमा ने जीरो CLF। इसमें क्लोरोफुलन 100 mg, जो बोलस आता है, बहुत छोटा बोलस है, क्लोरोफुलन 100 mg एंड आइवरमेक्टिन 10 mg। सोचिए, इससे पहले हमने 7 ग्राम 8000 mg का बोलस खिलाया, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के 110 mg का बोलस हो रहा है, कितना, 110 mg का। और इसी से ही इतना खिलाने के बाद आपके पशु का शरीर के अंदर के कीड़े, चाहे लीवर के हो, चाहे टेप वर्म, लांग वर्म या कोई भी कीड़ा शरीर के ऊपर, जो किलनी चाहे जो हो, सब खत्म हो जाएंगे। और खिलाने के बाद हो सकता है 1-2 दिन पशु गोबर ज्यादा करने लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सही हो जाएगा। और अगर इसका हम दवा नहीं खिला पाते हैं, कभी कभी होता है कि हम दवा खिलाने में असमर्थ होते हैं, तो डॉक्टर साहब को बुलाकर इंजेक्शन लगवा देते हैं। और इंजेक्शन भी 1 ml का, कितना, 1 ml 50 किलो तक के जानवर को दिया जाता है। 50 किलो के जानवर में बकरी उकड़ी आएंगी, तो वैसे सामान्यता पशु 3 से 4 क्विंटल होता है, तो उसी हिसाब से हम इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। 1 ml 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से, उसी हिसाब से जोड़कर हम देते हैं, क्योंकि होता है बोलस में टेबलेट में हम फोर्क नहीं दे पाते, तो इंजेक्शन उसका भरपाई कर देते हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे, या तो बोलस खिलाइए या इंजेक्शन लगवाइए। इंजेक्शन देने का तरीका सब कर देते हैं, चमड़ी में देते हैं, ना कि इंट्रामस्कुलर ना IV।
इतना करने से पशु के शरीर का अंदर का बाहर का सब कीड़ा खत्म हो जाएगा और आपका पशु स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि आने वाले समय में इससे बेहतर वीडियो के साथ हम आपके सामने आ सके। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान।